वालेकुम व्यूअर्स आप देख रहे हैं इंसान कल और आज मैं हूं आपका मेज़बान फाद अली काजमी व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमारी ये कोशिश होती है कि ऐसे अफराद से आपकी मुलाकात कराई जाए ऐसे इदारे और ऐसे प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं जो कि बड़ा यूनिक और प्रोडक्टिव काम माशरे के अंदर सर अंजाम दे रहे हैं व्यूअर्स ऐसा ही एक अदारा अपनी इंसेपशन से ले आज तक जो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है और इनकी सारी मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है आज हमारी खुशबीती है कि इस इदारे में हम मौजूद हैं और इस इदारे के एम डी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं व्यूअर्स हम पंजाब सेफ़ सिटीज़ अथॉरिटी में इस वक्त मौजूद हैं और एम डी साहब एडिशनल आई जी कामरान साहब भी हमें ज्वाइन करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इदारा अगर आप इफ़िशंसी की बात करें इफेक्टिवनेस की बात करें आप पुलिसिंग uh, की बात करें लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें तो ओवर द ईयर्स ये इदारा और ये सेटअप और आप अपनी स्क्रीस पे भी देख सकेंगे इट इज़ अ फिनोमिनल जॉब और अक्सर मैं सोचता हूँ कि हम एट टाइम्स पुलिस को लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को वो क्रेडिट नहीं देते जितनी एफर्ट ये लोग करते हैं तो आज स्पेशली हम इस कंसेप्शन को भी दूर करना चाहते हैं इस मिसकसैप्शन को रिमूव करना चाहते हैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स बहुत ही ज़बरदस्त एट टाइम्स काम करते हैं और हमें उनको क्रेडिट भी देना चाहिए तो आज पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के अंदर क्या हो रहा है ये दारा कैसे काम करता है आ, वी नो कि हराम हो रबी उवल हो आ, क्रिकेट मैचेज़ हो तो ये जिस इदारे में हम बैठे हुए हैं ये वो बैकबोन है जहाँ से सारे निज़ाम को कंट्रोल किया जा रहा होता है सरवेलेंस आपकी हिफाजत के इकदाम यहाँ से लिए जा रहे होते हैं और आपको सिक्योरिटी जो है फ़राम की जा रही होती है इस इदारे के हवाले से हमने बात करनी है हमारे साथ एडिशनल आई जी पंजाब एम डी पंजाब सेफ सिटीज़ से अथॉरिटी कामरान साहब तशरीफ़ रखते हैं सर थैंक्स सो लॉट फॉर योर टाइम आपने अपने इदारे में हमें दावत दी इट्स इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस थैंक सो मच फॉर योर टाइम सर सर पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है हम टू एन एक्सटेंड जानते हैं लेकिन अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए जरा शेयर करें कि एग्जैक्टली पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी क्या कर रही है ये जो कैमराज वेलेंस जो हमें नज़र भी आ रही है ये क्या है ओवरऑल ये सेटअप सर एक कैमरों का एक नेटवर्क है जी इसका बुनियादी मकसद लाहौर शहर को महफूज बनाना महफूज तर बनाना है और ये आपको याद होगा कि दस साल बारह साल पहले टेररिज्म की एक वेव थी पूरे मुल्क में और लाहौर में बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहा था तो उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया लेकिन किसी एक मकसद के लिए फिर उस प्रोजेक्ट में जब होता है तो और चीज़ें भी साथ इंक्लूड हो जाती हैं कि एक प्रोजेक्ट लाग ही रहे तो ये सारी चीज़ें भी उसमें जो ऑर्डनरी क्राइम हमारा लाहौर में होता था कि सिक्योरिटी के हवाले से उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए फिर हमारी जो रिलीजस बड़े प्रोसेशन या जो इवेंट्स होते हैं उनको कवर करने के हवाले से इसमें किया गया बिलखसूस मुहर्रम को किया गया जो हमारी मिनोरिटीज़ की इबादत गाहें हैं उनको सिक्योर करने के लिए इसमें फ़ीचर्स रखे गए जो हमारे एंटरटेनमेंट के हवाले से है पब्लिक के लिए जो मोबिलिटी है उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस हैं उनको हमने इसमें कवर किया क्राइम के हॉट स्पॉट्स को कवर किया और इसके अलावा जो हमारी वनरेबल इस्टेबलिशमेंट्स हैं चाहे मिनोरिटीज़ की हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको सिक्योर करना ज़रूरी है उसके अलावा हमारे पास जो हाई लेवल डेलीगेशनस आते हैं लाहौर में उसमें हमारे चाहे पाकिस्तान से हैं या बाहर से आते हैं उनकी मूवमेंट को सिक्योर करना जो रूट्स हैं वी आई पी रूट्स को उनको सिक्योर करने के लिए सारे एस्पेक्ट और इसमें एक एस्पेक्ट खास तौर पर ऐड किया गया कि हम 2009 से इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट थे जी कि हम क्रिकेट को कैसे वापस लाएं तो उसमें खास तौर पर मद्देनजर रखा गया और कैमरे उन रूट पर लगाए गए जहाँ से अगर टीमें आएंगी लाहौर में तो एयरपोर्ट से होटल होटल से स्टेडियम जाएंगी जो एक रूट अल्टरनेट रूट्स हैं उनको कैसे कवर किया जाए ताकि जब ये क्रिकेट बहाल होने की तरफ जाए तो हम आने वाली जो डेलीगेशन हैं या सिक्योरिटी ऑडिट टीम्स हैं उनको दिखा सकें कि लाहौर हमारा महफूज है हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ना सिर्फ ऑन ग्राउंड अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं बल्कि उसको हम अपने सर्विलेंस के साथ भी इंश्योर कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के साथ अच्छा सर इसका दायरा कार सिर्फ लाहौर तक है पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी तो ये दीगर शहरों में भी जाएगा या जा रहा है या जा चुका है सर नहीं जी बिल्कुल पंजाब तक है इसमें दायरा कार चूंकि लाहौर का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का तो सबसे पहले लगा इसके प्रोडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही जैनब के इस कसूर में हुआ तो फिर हमने कसूर शहर को इसमें कवर किया और पौने पाँच सौ कैमरे कसूर सिटी की हद तक वहाँ पे लगे हैं सर्विस सिस्टम जो लाहौर के सिस्टम के साथ ही हमारा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड है इसमें इस दौरान में इसका इफ्ताह दो में हुआ और तब से इसमें लाहौर की अपनी एक्सपेंशन के भी प्लान चल रहे हैं हम कि सिर्फ वहीं पर ना रुकें क्योंकि ये जो कैमरे लगाए गए थे कंसीव किए गए थे उसे दो साल तीन साल पहले दो पंद्रह में जो सर्वेज हुए उसकी बेसिस पे है लाहौर सात आठ सालों में ग्रेजुअली बहुत इम्प्रूव हुआ है डेवलपमेंट वर्कस हुए हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ उस सब बिल्कुल अभी शुरू हो रही थी अब वो बहुत ग्रो कर गई हैं तो वहाँ पे भी क्राइम चला गया है तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट्स छः डिविजनल हेड क्वार्टर्स में गए जहाँ पे बिल्डिंग्स ग्रे स्ट्रक्चर्स तैयार हैं उसके अलावा हमारा ननकाना में प्रोजेक्ट तकरीबन कम्पलीशन के करीब है सयालकोट में शेखुपराग जो ख़ास तौर पर जी टी रोड मुरीद के तक जा रही है लाहौर से कनेक्ट हो रही है और वो क्राइम में ना सिर्फ को हिट करती है बल्कि लाहौर के जैसेंट होने के से हमारा जो लाहौर की वो बेल्ट है बहुत ज़्यादा हिट हो रही है उसको हम इसमें प्रोजेक्ट्स हमारे आ रहे हैं और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो हमारी दो हज़ार से प्रोजेक्ट रुके हुए थे उसमें पिंडी फैसलाबाद और गुजरामाला को कैबिनेट ने अभी लास्ट वीक में अप्रूव किया है उसकी फंडिंग अप्रूव की है और आने वाले दिनों में हम ये तीन शहर भी इन शेड कर रहे हैं उसका स्कोप लाहौर से चूँकि जब कन्सीव किए गए थे डॉलर की रेट्स वैसे प्रोजेक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं तो उसको इक्नॉमिकल सोल्यूशन एक सर्वेलेंस की हद तक जो प्राइमरी सर्वेलेंस है उसकी हद तक उनको लिमिट करके इन तीन शहरों को शुरू किया जा रहा है और विद इन तकरीबन तेरह से चौदह अरब के दरमियान हम ये तीनों प्रोजेक्ट्स जहाँ एक एक प्रोजेक्ट की इतनी कीमत थी इस इसमें तीन प्रोजेक्ट्स को करने जा रहे हैं जी जी सर अच्छा सर हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल और एंगल के साथ भी हम बात किया करते हैं तो जब मैं आ रहा था तो ऑफ़ कैमरा मेरी आपके ऑफिसर्स के साथ भी कॉन्वर्जेसन हो रही थी और वो प्रॉफिट सलील वसम की हदीस हम अपनी तरह से उसके ऊपर एक डायलॉग कर रहे थे कि प्रॉफिट सल्ला वसम ने फरमाया कि अगर तुम देखो तो हाथ से रोकने की कोशिश करो तो िम को म से रोकना और मज़लूम की हिमायत करना ये ऑफ़कोर्स हमारी एक ज़िम्मेदारी है रूहानी ज़िम्मेदारी है एक ऑब्लीगेसन है और मुझे लगता है कि आपका ये इदारा इस विजन को एक बहुत ही अमली तौर पे लाहौर की हाथी कर फिर इन शाला दीगर डिवीजनल हेड हेडकोटर्स में भी आप जा रहे हैं तो मेरा ख़्याल है बड़े ऐसन तरीके से ये काम हो रहा है कि आप क्राइम को रोक रहे हैं आ, एक तरह की मज़लूम की हिमायत में खड़े हैं अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो ये फुटजेज और ये सारा मदद आप उसकी करते हैं तो अगर इसको हम इससे कनेक्ट करें ालम के ख़िलाफ़ और मज़लूम के साथ मद उसकी मदद सर जी देखें बुनियादी तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा यही इसका मकसद है और लोगों को शहरीों की ज़िंदगी मालो दौलत और सबको महफूज करने का मकसद है और उसमें अगेन ये फाइट है क्रिमिनल्स के खिलाफ ालिम है जो इस और मजलूम हमारी पब्लिक है आवाम लौटती है, है वो लौट रही है तो उनकी सिक्योरिटी उनको तहफुज देने के लिए उनको महफूज बनाने के लिए और ख़ुदा न खास अगर कोई वाक़ा हो जाए तो उसको ट्रेस करने के लिए निज़ाम सारा तश्ल दिया गया है और इम्प्लीमेंट किया गया है तो यकीन हम इसी पर काम कर रहे हैं जी और इसमें हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक बहुत बड़ी सपोर्ट है उनके लिए वो अपनी जानों को दैली पर लेके ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं और हम यहाँ से उनको सपोर्ट दे रहे हैं कि उसमें एविडेंस दे रहे हैं कि जिस क्रिमिनल के पीछे उन्होंने जाना है कोई व्हीकल उस क्राइम में इस्तेमाल हुई है वो किस तरह उसने किया है इवन इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तफ्तीश करें तो इंसाफ उसमें होता नजर आए। वो बहुत सारे ऐसे, तो ऐसे सबूत दे दिए और ऐसे ऐसे केस में मदद की है पुलिस की अदरवाइज अगर पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती मैं खुद भी कर रहा होता तो मैं सोचता हूँ यहाँ से बैठ के, के मैं बिल्कुल किसी फैसले पे ना पहुंच पाता और अगर किसी फैसले पे उसको सही समझते हुए अपनी सेंसिस को इस्तेमाल करते हुए जो अल्लाह ने काबिलियत दी और जितनी उसको इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला करता भी तो लोग उस पर शक में रहते हैं कि ये पता नहीं क्यों फ़ैसला ऐसे किया है ये को मिल गया है जो अक्सर पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है अब वो बिल्कुल पानी की तरह साफ चीज़ हो जाती है आप तफ्तीश करते हैं यहाँ से एविडेंस मिलता है और इस एविडेंस को जब हम ये दिखाते हैं तो जो मुदई है उसको भी इजाज़त है कानूनी तौर पर कि वो साथ आके बैठ के देख सकता है बता सकता है तफतीशी को कि मेरे साथ ऐसे हुआ या ऐसे ढूँढो मेरे साथ ये था अब तफ्तीशी ने उस वाक्य से नहीं गुजरा से, लेकिन जो गुजरा है, सकता है, वो सकता है। तफ्तीशी को पूरी तरह बात ना बता सका हो लेकिन जब वो सामने बैठता है तो रिकॉल तो रिक, तो करने इग्नोर कर बैठा होता है, वो जब वो उसको देखता है तो ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है दूसरा उसका बड़ा फायदा ये होता है कि अगर बिल फर्ज एविडेंस नहीं मिला और तफ्तीशी अकेला आता तो उसको हमेशा यह गिला रहना था कि जी इसने देखा नहीं होगा hmm. मेरे साथ तो वह था कैमरे लगे हुए थे अब जब वो खुद आके बैठता है पूरी एफर्ट देखता है तो वो भी सेटिस्फाइड जाता है कि जी देखें जहां मिल गया तो वो तो बड़ा खुश होता सरे. है कि जी देखें मेरा एविडेंस मिल गया और जहां नहीं मिलता है उसको पता होता है कि जी इन्होंने तफ्तीश ने सरे. एफर्ट एफर्ट पूरी की है लेकिन वो बाकी चीज उस कैमरे की कवरेज में नहीं आ सही सकती तो ये भी एक इस लिहाज से सर्विस है और ये इस मजलूम की मदद है कि खुद बैठ के अपने केस की वीडियो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो देख रहा है तफ्तीशी को बता रहा है गाइड कर रहा है

तो उसमे लाखों तक कैमरे चले गए अच्छा। लेकिन वो भी कोई पहले दिन ही लाखों से, स्टार्ट नहीं नहीं हुए। से उनको हमने इसमें कवर किया अब पिछले सात आठ साल के अंदर नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं कई ऐसे चौक थे जो अंडरपास बन गए हैं अब वहाँ पे उस तरह की सर्वेलेंस नहीं चाहिए वो किसी और जगह पे मूव करनी है कहीं पे ओवरहेड ब्रिज बन गए हैं वो सर्वेलेंस पहले नीचे हो रही थी अब वो कहीं क्रॉस द ब्रिज आपको ज़रूरत पड़ गई है वो चेंजेस आ रही हैं नई डिवेलपमेंट्स हो रही हैं तो उस हवाले से उसकी एक्सपेंशन हम करते चले जा रहे हैं ग्रेजुअली हम भी इंशाल्लाह और उसके लिए हमने एक और काम किया आ, दुनिया भर में ये नहीं होता कि जो पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट है सारे कैमरे वो लगाए हो सकता है नहीं, 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 बड़े नहीं, मुल्कों नहीं, में चाइना में ऐसे मुमकिन है चूंकि वो सारा उसमें पब्लिक सेक्टर ही देखती है चीज़ों को तो वो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर शायद ये चीज़ हो कि वो सारे कैमरे गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही लग रहे हों दुनिया भर में इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिलाया जाता है इंटीग्रेट किया जाता है हमने भी इस मॉडल को फॉलो किया हमने लाहौर के जो प्राइवेट कैमरेज लगे हुए हैं पहले फेज़ के अंदर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है उनका अपना एक नेटवर्क है उसको अपने साथ कनेक्ट किया है रिंग रोड अथॉरिटी है उसके कैमरे हैं उनको हमने कनेक्ट किया है पहले शिकायत आती थी कि क्रिमिनल अगर रिंग रोड पर चढ़ गया तो हमें नहीं पता लग रहा चलेगा अब वो कनेक्टेड है यहीं से बैठ के हम देख सकते हैं ये मास ट्रांसिट अथॉरिटी जो बसेस आपकी चल रही है मेट्रो बसेस हैं इनके कैमरे छे सौ साढ़े छे सौ में इंटीग्रेट है। किए हैं ऑरेंज लाइन के साथ हमारा मामला चल रहा है टेक्निकल वेल्यूशन चल रही है ऑरेंज लाइन के सारे कैमरे हो जाएंगे अभी रिसेंटली हमें हॉस्पिटल्स की इजाजत मिली है हॉस्पिटल्स के तेईस सौ कैमरे हैं वो हॉस्पिटल्स को हम इंटीग्रेट अपने कर रहे हैं उनकी पार्किंग्स को बहुत सारे क्रिमिनल्स वहाँ जा रहे हैं क्राइम वहाँ पे हो रहे हैं तो वो इंटीग्रेट हो रहे हैं पार्कस के ग्रेटर इकबाल पार्क के साठ के करीब कैमरे हैं वो हमने इंटीग्रेट कर लिए हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी जिनके साथ हमारी बातचीत चल रही है वेल्यूशन हो गई है कहीं पे एम साइन हो गया है उनके जहां जहां कंट्रोल रूम बने हुए हैं अब ये तो है जो प्लान जहाँ पे काम हुआ हुआ है बहुत सारी जगह ऐसी अंदरून शहर है हमारा आ, सिटी सिटी है आप उधर से बाहर आ जाए आप इकबाल टाउन आ जाए फैसल टाउन जौहर टाउन ऐसे इलाके आ जाए जो बड़ी डेवलप्ड सोसाइटीज हैं किसी जमाने की अपने वो पौश एरिया हैं उधर आप कैसे करें वहां तो ऐसे कंट्रोल सिस्टम नहीं बने हुए लेकिन हर गली मोहल्ले में स्कूलों पे कैमरे लगे हुए हैं फार्मेसी हैं। पे, हैं, पे लगे हुए हैं पार्लर पे लगे हुए हैं उनको इंटीग्रेशन की जरूरत है इंटीग्रेशन की जरूरत है।, है और हमने जो इंटरनेशनली स्टडी किया तो लंडन मॉडल में यही हुआ कि उनके तकरीबन पौने सात लाख कैमरों में से सिर्फ तेईस हजार कैमरे हैं जो पब्लिक सेक्टर में बाकी सवा छह लाख कैमरे से ज्यादा प्राइवेट प्राइवेट इंटीग्रेशन तो ये पब्लिक पार्टनरशिप आ गई इसी पे काम करने के लिए लाहौर पुलिस की मदद से लाहौर पुलिस को एक ऐप बना के दी उनके हर थानों में बीट अफसर होते हैं उनको अपनी बीटों में निकल जाए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की एक एप्लीकेशन अपने मोबाइलों पर वो हर अपनी बीट में उन्होंने कैमरों को मैप करना शुरू किया और इस वक्त तक हम लाहौर के तकरीबन बारह लाख कैमरे मैप कर चुके हैं और फिर हमने इसको आई साहब की डायरेक्शन पूरे पंजाब में रेप्लिकेट किया और होंगे ये। में। अब इसके बाद अगला चैलेंज है इनको जब इंटीग्रेट करना है इसमें प्रिवेसी भी आ सकते हैं लो कॉन्सेंट देंगे नहीं देंगे तो इसके लिए हम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं कि इसमें हमें लीगल कवर भी चाहिए और इसमें हमें टेक्निकल एवेल्युएशन भी हमें करनी है कि कौन से कैमरे इंटीग्रेट हो सकते हैं और अगर एक गली में जैसे फर्ज करें एक ब्यूटी पार्लर है तो ब्यूटी पार्लर का हम नहीं चाहेंगे के कैमरा इंटीग्रेट हाँ, कर उसमें प्राइवेसी का, का है एक स्कूल के बाहर कैमरा है किसी फार्मेसी के केमरा 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 के है है हेयर सैलून बाहर कैमरा कोई ऐसा कैमरा है जिसका कोई वायलेशन नहीं हो रही प्राइवेसी का ऐसा इशू नहीं है तो वो कैमरे हम इंटीग्रेट फेज वन में करें और पहले देखें वो इंटीग्रेट हो भी सकते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इस पर स्टडी शुरू हो चुकी हुई है सिर्फ प्रोजेक्ट है तो ये हम आने वाले वक्तों में हजारों से जो लाखों की तरफ हमारा पेश रफ्त है वह इनशाला पॉसिबल हो चुकेगी और इसमें गवर्नमेंट के भी वो एक्सपेंस एक नर्व सेंटर हमारे पास बन गया है कमांड कंट्रोल सेंटर बन गया है इसमें ये कैमरे हम इंटीग्रेट करते जाएंगे अथॉरिटीज़ द्वारा कि जैसे हमने इंटीग्रेट किए एक हज़ार ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हैं तेईस सौ हॉस्पिटल्स के सोलह सौ सो औरज लाइन के तो कि चार पाँच हज़ार कैमरे वो हो जाएंगे तो फेजिज़ में पाँच पाँच हज़ार कैमरे दस दस हज़ार कैमरे आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इसमें इंटीग्रेट होते जाएंगे तो ये एक फ़ायदा होगा कि जब भी कोई ट्रैक करना है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने

वेन आई कम हेयर तो मुझे लगता है एक बड़ी मॉडर्न मैं किसी इदारे में आ गया हूँ आपके ऑफिसर्स बड़े वेल well बिहेवड इनके इनके यूनिफॉर्म बड़े मॉडर्न uh, किस्म के ओवरऑल ये सारी स्टैब्लिशमेंट बड़ी मॉडर्न आप लोगों ने काम करना है हमारी लोकल पुलिस के साथ तो कोर्डिनेशन के इशूज़ तो नहीं आते आप एक सेफ़ सिटीज़ आपका इदारा और जो हमारे और वो भी बड़े ऑनरेबल और ज़बरदस्त हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं मगर एक जो प्रसप्शन का इशू है यहाँ से वहां तक कोई कोऑर्डिनेशन का इशू लैंग्वेज का इशू ईडीएम का इशू आपके सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे और तरह से एक मॉडर्न अंदाज में और वो एक उनका अपना अंदाज है तो ऐसा तो कभी चैलेंज नहीं आया आपको सर आपके दायरे को बिल्कुल आया अच्छा तो आया, आया। है। जी बिल्कुल आया और किसी हद तक बहुत मिनिमाइज हो गया अभी भी फेस करना पड़ जाता है सर तो एक तो ये प्रोजेक्ट आया एकदम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके लिए कोई भी हमें से तैयार नहीं था हम इस टेक्नोलॉजी के पहले यूजर नहीं थे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के तो एक नेचुरली ह्यूमन नेचर है जब भी कोई चेंज आती है तो उसको वो रेजिस्टेंस रजिस्टेंस स्टेटस को ठीक है पुलिस अब एक डेढ़ सौ साल पुराने निज़ाम के तहत चल रही है ठीक है उसमें बहुत मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेशन बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इस वक्त पब्लिक सेक्टर में मोस्ट प्रोग्रेसिव डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस है उसमें बहुत सारी चीज़ें आई बट फिर भी ऑन ग्राउंड हमें जो सबसे बड़ा जो चेंज मैनेजमेंट थी कि उनके साथ इंटीग्रेट कैसे करना है बट ग्रेजुअली विद सेवन ईयर्स हमने इनको ट्रेन किया यहाँ पे इनको फॉरेन ट्रेनिंग्स पे हमारे लोगों को भेजा लोकल पुलिस को इस सिस्टम को समझें यहाँ पे इनकरेज किया ट्रेनिंग्स दी साथ अपने बिठाया है उनके उनके, उनके पास गए हैं खुद उनको अप्रोच किया है उनको नजर आया है कि इसकी कितनी अफादियत है जब उनके केस ट्रेस होने लग गए यहाँ से शुरू में स्लो था जी मैं आपको एक थोड़ा सा मुआवजा देता हूँ कि जो पहला साल था हमारा जब प्रोजेक्ट लगा है तो पूरे साल में साढ़े छे सौ आईओ आए यहाँ पे अच्छा, और, और फिर, फिर हमने उनके साथ अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज की ग्राउंड लेवल तक उनके साथ इंटरैक्ट किया उनको यहां पे बताना है ट्रेनिंग्स की वहां पर पहुंचे यहां पे लाके दिखाया कि आपको केस सॉल्व करने में कितनी हेल्प मिल सकती है उससे अगले साल के अंदर साढ़े छे सौ पर मंथ पे आए हम अच्छा और इस वक्त हम हजार से ज्यादा पर मंथ पे हमारे पास आते हैं जो यहाँ से एविडेंस देखने एविडेंस मिले ना मिले वो दूसरी बात है बट डेफिनेटली हर केस के लिए वो फौरी तौर पर एक एविडेंस सड़कों में जो क्राइम हो रहा है या घरों में भी होकर कोई निकल के करके भागा है वो आएगा तो, तो सड़क पर बिल्कुल और वो सिस्टम ऐसे में लाया गया है कि अगर किसी वजह से कोई कैमरे ऑपरेशनल नहीं भी हैं तो इस चौक पे नहीं है तो उसने गुजर के अगले चौक पे पहुंचना है या राइट मुड़ गया लेफ्ट मुड़ गया तो उस उस रोड के ऊपर अगले कैमरे हैं वहां पे कहीं ना कहीं कैप्चर हो जाएगा तो वो सिस्टम जो थोड़े कैमरे लगाए गए थे 8000 जैसे मैंने कहा कि ऐसे शहर के निशाय लाख कैमरा या उससे भी ज्यादा कैमरे चाहिए हो कि हर गली मोहल्ले का हर छोटी से छोटी गली को भी आप कवर करें जो कि हम प्राइवेट कैमरों के जरिए इंशाल्लाह आइंदा करेंगे तो उसको इस तरह प्लान किया गया कि अगर वो गली मोहल्लों से कहीं ना कहीं तो सड़क पर निकलेगा और नहीं निकलेगा तो पता लग जाएगा यहीं पे कहीं गुम हुआ यहां है यहाँ पे ढूंढ लें तो प्रुण प्रुण किसी किसी ना कैमरे की वो नजर में आ जाएगा जिसकी वजह से बहुत बेहतर परसेंटेज में हम okay. को ट्रेस कर है, रहे हैं जो है 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 वो मॉडर्नाइज हो हो रही रही बिल्कुल अच्छा एक सवाल और मैं करना चाहूँगा कि लाहौर में ये प्रोजेक्ट लगा तो क्या हमारे जो दीगर प्रोविंस थे उन उन्होंने कोई इससे कोई इंस्पिरेशन ली कराची जैसे लाहौर से भी बड़ा शहर है आई थिंक वो भी डिजर्व करता है कि ऐसा प्रोजेक्ट वहाँ पे हो इस्लामाबाद हमारा फेडरल कैपिटल है तो ये जो बाकी बड़े शहर हैं क्या उन्होंने कोई इंस्पिरेशन ली पंजाब से सेफ़ सिटीज़ अथॉरिटी से और क्या कभी आप लोगों ने उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग या ऐसा कलेबरेट किया हो कि वो अपने शहरों के अंदर या अपनी अपनी प्रोविंशियल सेटअप्स के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लगे जी बिल्कुल इस्लामाबाद का तो हर हमारे साथ ही तकरीबन उन्हीं दिनों में जब इस्लाम का हमारा प्रोजेक्ट लग रहा था इस्लामाबाद में लगा हुआ है सर उसके अलावा बाकी तमाम जो प्रोविंस हैं उनमें यह एफर्ट्स जारी हैं और आप मीडिया पर सुनते भी रहते हैं काम हो भी रहा है अभी कराची में भी सेफ सिटी के लिए जो जहाँ पे बहुत शदीद जरूरत है लाहौर से तो बहुत बड़ा शहर है वो बिल्कुल और वहाँ पे भी वैसे अपने प्रॉपर तो एक जिस तरह ऑर्गेनाइज का प्रोजेक्ट होता है इस तरह नहीं इम्प्लीमेंट हुआ उनके पास बहुत सारे कैमरे उनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस है और इदारे हैं उन्होंने अपने सिस्टम लगाए और बड़े काफी बड़े स्केल पे वो काम कर रहे हैं अच्छा वहाँ पे भी जी है लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज से अभी रिसेंटली कॉन्ट्रेक्ट अवार्ड किए साइन वो काम हो रहा है तो वहाँ पे भी हमारा उनसे राबता रहा है उनकी टीम्स जहाँ पे विजिट्स भी करती रही हैं जब जब जिस हवाले से उनसे हमसे कोई गाइडेंस लिया है लैसेंस है हमने उनसे शेयर किए हैं इसी तरह के पी में भी खैबर पखतुनखा प्रोविंस के अंदर भी हमारा अभी भी उनका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है हयात्राबाद में वहाँ पर भी सेफ सिटी का प्रोजेक्ट हो रहा है इम्प्लीमेंट उसमें हमारी टेक्निकल टीम वीकली बेसिस नहीं तो फोर नाइटली बेसिस पे उनसे कलेबोरेट करती है टेक्निकल जो सपोर्ट गाइडेंस डॉक्यूमेंटेशन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसकी जो चीज़ें एवेलट हो रही हैं उसमें सपोर्ट करती है हमारे एम इन प्लेस रहे हैं गवादर के लिए कोयटा के लिए तो जहाँ जहाँ भी बड़े इवन पंजाब में इसको देखते हुए चूंकि ये जरा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और प्रायरिटी में बड़े डिविजनल हेड क्वार्टर आते हैं जो दूसरे अज़ला हैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं उन्होंने वहाँ पे छोटे सेफ सिटी टाइप सेंटर्स बनाने की अच्छा कोशिश है। की है तो, तो वो हमें यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं हमारी टेक्निकल टीमें जाती हैं वो असेसमेंट करके उनको सोलूशन बना के देके आती हैं तो बहुत सारे अजला में छोटे चोड़ छोटे ऐसे अभी रिसेंटली आरिफ वाला में है इससे पहले डी खान में बना है मियाँ बना है सियालकोट में बना है गुजरात में बना मुख्तिस अजला में जो अच्छे अफसर वहाँ पे ऐसे आए जिन्होंने इनिशिएटिव लिए बट ऑर्गेनाइज बड़ा सेफ सिटी जो है वो इनिशियली जो है ये डिविजनल हेड क्वार्टर में और रिसेंटली जो हमने ऑर्गेनाइज इसको किया जिसमें अच्छा सर दो सवाल मैं आपसे करूँगा और फिर मैं चाहूँगा कि अगर आपके साथ हम थोड़ा विज़िट भी करें आपके इस खूबसूरत से सेटअप का एक सवाल तो ये है कि मेरे ख़्याल में हमारे पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और एट टाइम्स हम उन्हें वो क्रेडिट नहीं देते एक परसेप्शन का इशू कहीं ना कहीं है मतलब ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है काली भेड़ें हर जगह होती हैं वो एक्डीमिया में भी हैं वो मेरे मीडिया में भी हैं लेकिन अच्छे लोग जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो अच्छी एग्जांपल्स हैं हम उनको एट टाइम्स हाईलाइट नहीं करते तो क्या कभी आपको ख़ुद भी ऐसा लगा एज़ ए पुलिस ऑफिसर क्योंकि मैं जितने ऑफिसर से ला मिला हूँ चाहे वो मिडल रैंकिंग हो नीचे हो ऑन ग्राउंड हो मुझे वैसे मेहनती ऑफिसर्स ज़्यादा मिले हैं इनफैक्ट ईमानदार ऑफिसर्स भी बहुत से और ज़्यादा मिले हैं तो पुलिस के हवाले से ये जो एक एक ख़ास किस्म के लेंस से हम उनको देखते हैं तो आप किस क्या किया जाए कि इस कंसेप्शन को इस मिसकनसप्शन को हम रिमूव करें और ये एग्जांपल्स जो हैं हम अपनी ऑडियंस के सामने व्यूअर्स के सामने कॉम के सामने रखेंगे ये अच्छा काम भी हो रहा है वहाँ पे क्या करना चाहिए सर नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा जी ये जो निज़ाम चल रहा है इसलिए जो अच्छे लोग हैं उन्हीं की वजह से चल रहा है काली भेड़े हाज इसम ने का महकमे में हैं पुलिस में भी यकीन होंगी और पुलिस का जो काम है ना वो बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है काम और वसाइल और मसाइल बहुत ज़्यादा वसाइल थोड़े हैं बहुत मसायल बहुत है। ज़्यादा ज़्यादा है और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जब वसाइल नहीं होते प्रेशर आते हैं तो वो जाहिर है उस तरह की डिलीवरी नहीं होती लेकिन उसके बावजूद आप देख लें जितने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं और जहाँ पे भी उनसे कोई टारगेट दिए जाते हैं वो हमेशा पुलिस ने अचीव किए हैं और चाहे वो टेरिज्म के हवाले से हैं क्राइम के हवाले से हैं ये बच्चों के वाले से केसेस आते हैं जहाँ जहाँ के भी चैलेंज मिला वो पुलिस ने उसको अलहमद अचीव किया अब जो मैं समझता हूँ जो मसला है उसमें लोगों को अदराक नहीं है कि पुलिस कैसे किन हालात में किन मुश्किल हालात में, गाम में गाम काम करती है जो कि कोई बाहर बैठ के इसको इमेजिन या रियलाइज कर ही कर नहीं, नहीं, नहीं सकता बाकी और महकमे भी मुश्किल का शिकार होंगे लेकिन पुलिस का खास तौर पे बहुत ही मुश्किल काम है और अपनी जान को हथेली पे लेके फिर रहे होते हैं अपनी जान को दाव पे लगा के अपनी फैमिली लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करके अपनी पर्सनल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके आप किसी भी डिपार्टमेंट का सर्वे करा के देख लें पब्लिक सेक्टर में खासतौर पे। 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 के निकलेंगे किसी और डिपार्टमेंट के लिए हर एक केसॉल नहीं किया दस केस और आते हैं आप हर वक्त अंडर स्ट्रेस काम कर रहे होते हैं और एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे होते हैं पब्लिक की आप कुछ पूरा कर भी लेते हैं तो लोग सेटिस्फाई नहीं होते फिर इस माशरे का मसला यह है कि लोग इंसाफ भी अपनी मर्जी का मांगते हैं जब आप वो नहीं देते तो आप हक पे भी हों आप सही भी बात कर रहे हो तो कोई आपसे सेटिस्फाई satisfy नहीं होता।, होता फिर इस माशरे को देखें आप अगर आपने पुलिस को देखना है तो पुलिस जो है इस माशरे की रिफ्लेक्शन है अगर कोई पुलिस में आपको खराबियां नजर आ रही हैं तो ये वो तमाम खराबियां हैं जो इस माशरे में मौजूद हैं और पुलिस उसकी एक रिफ्लेक्शन है तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये आइसोलेटेड हैं ये आसमान हाँ से हाँ सारा हाँ माशरा तो खराबियाँ करे

ठीक है हम यहाँ पे कहते हैं कि कि पुलिस की परफॉर्मेंस नहीं।, नहीं देख रहे किधर जा रहा है की खराबियां किधर जा रही हैं सोशो इकोनॉमिक किधर लेके जा रही हैं क्या मसाइल हैं किन वजह से क्राइम होता है उस तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं और पुलिस की तरफ पुलिस एक्सपेक्ट करते हैं उन सारी चीजें जो डिट्यूरेट हो रही है वो होती रहे उसी तरह और पुलिस की परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ती चली जाए उसके बावजूद पुलिस परफॉर्म कर रही है और इन सारों पर एक और चीज जो परसेप्शन की आपने बात की मैं वो समझता हूँ कि पुलिस एक इनवर्ड लुकिंग डिपार्टमेंट है पुलिस अपने खोल से बाहर नहीं निकलता पुलिस अपनी चीजें पब्लिक को ये इश्यूज बताता भी नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक को नहीं पता पुलिस के क्या चैलेंजेस क्या है। और पुलिस का एक अलमिया ये भी है कि पुलिस सौ काम अच्छे करे या साल के तीन सौ चौसठ दिन अच्छे काम करे एक वाक्य होता है और मीडिया अपनी जो एक उसका एक स्टाइल है नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करने का यह सोशल मीडिया कहने में ये कह लू उस पर जिस तरह हाईलाइट होता है तो वो आप सारी जो पब्लिक है

As a officer, के वो भी इंसान है आप ही, ही बहन भाई मेल जो हैं में में है, उनके भी वही मसाइल हैं जो आपके मसाइल हैं तो उनको नॉर्मल लाइफ में उसको इंटरेक्ट करें तो शायद में ये परसेप्शन जो अब हमारी टीम है पंजाब पुलिस इसमें बहुत ज्यादा बाकी सूबों की पुलिस भी है सोशल मीडिया को और पीडिया के जरिए बहुत सारी अपने इसको प्रसप्शन को अपने अच्छे काम को प्रोजेक्ट कर रही है ताकि इस वक्त मैटर कर रहा है आपके सामने है अच्छा सर एक चीज़ आ, आ, मैं एक आखिरी सवाल करने से पहले एक और बात जो मेरे इल में आई और बड़ी अहम है कि ऑफ कोर्स जैसे प्रॉफिट अलैहि वसम ने भी फरमाया कि खवतान की हिफाजत तो उनकी नगेदाश्त हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक मजहबी फरीज़ है गैन और सरकार वसलम की वसीतों में से एक वसीत के ख़ातन के हकूक़ की निगरानी करना और आपने एक बड़ी ज़बरदस्त विमन सेफ़्टी एप लाहौर सेफ सिटी पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म सर ये विमेन सेफ्टी ऐप क्या करती है इसका दायरा कार क्या है और एक आम हमारी खातन जो इस प्रोग्राम को भी देखेंगे वो कैसे इससे बेनिफिट कर सकती हैं सर देखिए इस ऐप का इसका नाम तो है पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी है जी और इसको बाकायदा उस वक्त के वजीर अला ने फ्ताह किया था हमने इसको ओनरशिप बहुत लेवल पे दी ताकि पूरे पंजाब में इसका दायरा कार हो हम तो लाहौर में लाहौर पुलिस तो से तो हमारा चूँकि कलेब्रेशन रहता है यहाँ तो हम कर लेंगे पूरे पंजाब में इसकी ओनरशिप बड़ी होगी गवर्नमेंट लेवल पे तो बाकी जगहों में भी इस पर काम होगा इसका बुनियादी मकसद इस ऐप को लॉन्च करने का तो ये था कि हमारे पास वन फाइव पे पूरे पंजाब की कॉल्स आती हैं वो कॉल्स में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं होते जनरली लोग अगर मैं फ़र्ज करें कोई मैं लाहौर से बाहर करने वाले लाहौर है और मेरे साथ कोई स्ट्रीट क्राइम हो गया है या कोई और ऐसा इंसीडेंट हो गया खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया तो मुझे लाहौर के बारे में नहीं पता इवन मैं सारी उम्र लाहौर में रहा हूँ जमापला यहाँ पे हूँ मुझे बहुत सारे लाहौर में डेवलपमेंट्स हो गए मैं कुछ इलाकों में बहुत अरसे से नहीं गया तो मुझे रोड का नाम नहीं पता जगह नहीं पता या फिर ये भी नहीं पता कि थाना कौन सा इधर लगता है ठीक है पब्लिक को ये प्रॉब्लम तो बिलूम मर्द हजरात को और बिलखसूस खातन को ये नहीं पता लगता था जो बाहर निकलें कि हम कहाँ पे हैं थाना कौन सा लगता है मैं कहाँ खड़ी हूँ कौन सी रोड है तो अब हमने अगर किसी को रिस्पॉन्ड कराना है हमें उसकी लोकेशन ही ना पता लगे जिसकी वजह से कि उसको कहाँ भेजें हम खातून अपनी वो जगह ही नहीं बता पा रही तो हमने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया ताकि इसके जरिए हम उसके जब वो इस एप्लीकेशन में कॉल वो वन फाइव पर करेगी लेकिन जब वन फाइव इस एप्लीकेशन से करेगी तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उस कोऑर्डिनेट्स का फायदा ये हो जाएगा कि हमें फौरन पता लग जाएगा ये फलानी रोड पे इस एरिया में खड़ी हुई है तो हम अपनी जो भी हमें पता लगे नियरेस्ट कौन हमारे पास है वहाँ पे तो हम उसको इस्पेक्टिव और जुरिस्टिक्शन किसी भी थाने का है वो उसको फौरी तौर पर कहेंगे रिस्पॉन्ड करें वहाँ से शुरू हुआ इसका और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम इवॉल्व करते गए इसमें लोगों की फीडबैक आई लोगों के मशवरे आए कुछ चैलेंजेस आए उन सब को इनकॉर्पोरेट करते गए और एक ये अल्टीमेटली एक, एक एमरजेंसी पैकेज की सूरत इख्तियार कर गया उसमें आपको याद होगा सियालकोट मोटरवे का इंसिडेंट हुआ उसमें उसमें पता लगा वेरी वो उसमें के उसको का नंबर नहीं पता था फिर आपस में एजेंसी का वो नहीं रहा हो सका हमारे अगर ये इसी से सीखा हमने कि अगर पंजाब में मोटरवे जहाँ पे नहीं है पुलिस वहाँ पे हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस है उनका एक अलग नंबर चल रहा है वो लोगों को नहीं पता इतना उस तरह नहीं है कोई आपको मेडिकल जरूरत पड़ गई है तो डबल वन डबल टू है फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए तो वो पुलिस को अगर कॉल कर रही है तो डोमेस्टिक वायलेंस में बाजात आपको पुलिस का जाना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है फौरी हाँ। तौर पर हो सकता है उस वक्त वायलेंस ना हुआ हो अब उसको ख्याल आया हो कि मैंने अब शिकायत करनी है बट उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हुआ हुआ तो पुलिस के इंटरफेयर मामले को ज्यादा खराब कर सकती है सकती है तो उसमें पंजाब कमिश्नर स्टेटस ऑफ वुमेन का एक नंबर है लीगल असिस्टेंस देते हैं साइकोलॉजिकल असिस्टेंस देते हैं और रेफरल उनके पाथवेज हैं कोई शेल्टर होम्स में भेजना है तो वो सारी सपोर्ट है उसको इंटीग्रेट किया ताकि डोमेस्टिक वायलेंस या अदरवाइज वायलेंस का शिकार खबातीन है तो वहां से वो हेल्प ले सके इसी ऐप के जरिए इस इसपे हम चलते रहे तो फिर हमें एक अब, साइबर क्राइम के रिलेटेड आजकल सोशल मीडिया पे मोबाइल के ऊपर आपका हैक हो गया है डाटा ब्रीच हो गई है सोशल मीडिया पे कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है आपको तो वो पुलिस के पास वन फाइव पे वो अब एफ का डोमेन है उनका एक साइबर क्राइम का पूरा विंग इस पे काम करता है वो नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया और उस नंबर को कर इंट्रोड्यूस करने से ऑनस्टली मुझे भी वो नंबर जुबानी याद नहीं था अच्छा पब्लिक मतलब ये चीजें रियलाइज की हमने कि यार ये चीजें नंबर तो बहुत चल रहे हैं लेकिन हर वक्त आपको हर वक्त नंबर पता था नंबर है बट याद नहीं था

तो उसने हमें वापस कॉल किया जी आपने किसको भेजा है रिस्पॉन्स तो ठीक नहीं है तो अब हमारा काम तो सिर्फ कनेक्ट करना है फर्स्ट हाँ। रिस्पॉन्डर से आगे फिर वो, वो जिस थाने से आया है उसने वहां पे एक्शन करवाना है अपना जो भी एक्शन अगर कोई वहां पे हरासमेंट हुई है कोई स्ट्रीट क्राइम हुआ है एक्सीडेंट हुआ है जो भी मुतल थाना है वहाँ पे अगला लीगल एक्शन होना है वो हमें करते थे तो फिर हमने उस उसमें ग्रीवेंस मैकेजम भी पूरा डाल दिया कि अगर आपने आई जी साहब आई साहब का एक वन कंप्लेंट मैकेनिज्म है उस पर कंप्लेंट लिखवानी है उसका पूरी एक डिटेल्ड उसका एडिशनल आई इंसिडेंटली मेरे पास ही उसका चार्ज दे, है ठीक है तो वो वो पूरा एक मैकेनिज्म है एडिशनल मेकानिज्मी लेवल से लेकर नीचे तक पूरी टीम है जो उस कंप्लेंट्स को फॉलोअप करती है उनको देखती है इंश्योर करती है अगर मुतमईन ना हो तो उसके अलावा ओमबर्ट्समन का एक दफ्तर है वो देखता है आपका आ, उसमें पीटीए का पोर्टल है जहाँ जहाँ पे आपने कंप्लेंट करनी है वो उस सारी उसमें है अवेलेबल फिर और इस तरह के बहुत सारे फीचर उस पर रखे चैट का एक फीचर डाल दिया कि अगर कोई आजकल की यंगर जनरेशन है वो आप देखें हम कॉल करेंगे वो चैट के ऊपर चैट पे तो चैट से अगर आप हमें करें तो चैट के ऊपर भी हो जाएगा फिर एक और इसमें फीचर हमने दिया कि अगर आप वन फाइव पे कॉल करें जब आप वन फाइव प्रेस करेंगे तो आपने अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है जो ऑप्शनल है आइस नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर जो आपके वालदेन का हो सकता है स्पाउस का हो सकता है बच्चों का सहेली का जिसको भी आप समझते हैं कि खतरे की सूरत में उसको इतलाफ की चली जाती जानी, चाहिए, जानी है। चाहिए तो अगर वो फ़र्ज़ करें मैं खातून और मैंने वन को दबाया है तो मैंने अपने वाले का या अपने हस्बैंड का बच्चों का नंबर दिया हुआ है तो फौरी तौर पर उस नंबर के ऊपर एक मैसेज हमारी कॉस्ट पे चला जाएगा कि फर्ज करें मेरा नाम आयशा है कि आयशा मुश्किल में आयशा से फौरी रब्ता कर लें एक तो उसका वन फाई पर भी रब्ता हो गया और एक जो उसके घर, घर वाले फैमिली फ्रेंड जिसको भी उसने मैसेज देना है उसको भी चला गया तो वो भी रबते में फ़ौरी तौर पर उसे आना शुरू हो जाएंगे तो ये सारे फीचर एक बहुत बड़ा उसको पैकेज बना दिया है फिर इसमें हम जो बाय लेंगवल जो खुतन के लीग कोई कवानीन है उनका ब्रीफ सा दे दिया है लिंक्स दे दिए अगर डिटेल में पढ़ना चाहें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं कि आप फीडबैक दें कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है ताकि जो खातन और ऐप इस्तेमाल कर रही हैं वो अगर उसमें रिव्यू देख लें कि पिछली खातन इस जगह के बारे में इस रूट का दिन में रात में कोई फीडबैक दी हुई है तो वो उसको अवॉइड कर सकती हैं या प्रिकॉशनरी भैया ले सकती हैं और हमें ये पता लग रहा है कि अगर कहीं हॉटस्पॉट बन रहा है कि यार यहाँ पे क्या मसला है कि बार बार खातन इसी जगह पर क्यों रिपोर्ट कर रही हैं शुरू में ही हमें एक जगह से रिपोर्ट आई एक एरिया से तो वो पता लगा कि जी वो खातन के जी ये उन दिनों की बात है खासतौर में नारे पाकिस्तान के और जब के बाद के बाद जरा ज्यादा सेंसिटिविटी हुई थी कि कोई भी दो मोटरसाइकिल दो दफा गुजर जाते थे तो वो इतला पन पे कॉल आ जाती थी कि ये हेरासमेंट के लिए फिर रहे हैं वो जब हमने चेक किया तो पता लगा जी बेसिकली उस रोड के ऊपर जो वर्किंग वुमेन पांच बजे के बाद विंटर्स में अंधेरा हो जाता है गुजर रही थी तो स्ट्रीट लाइट खराब थी सारी वो स्ट्रीट लाइट की वजह से ज्यादा खौफ ज्यादा हो जाती थी जैसी स्ट्रीट लाइट वहाँ पे ठीक रहेगी वो सारा इशू एकदम रिजॉल्व हो गया तो, <laughs> you know like तो, मतलब तो, ये दो साल तीन साल से मुसलसल कर रहे हैं फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हमने इसमें किया हमारी दो तीन एम्बेसीज ने हमसे इसमें

टाइम सर कैसे मैनेज करते हैं ये ये तो ट्वेंटी फोर सेवन वाली मुझे जॉब लग रही है कि आप ट्वेंटी फ़ोर आवर्स यू आर ऑन तो कैसे करते हैं ये सारा एज ए ह्यूमन क्योंकि इंसान की एक ह्यूमन साइड भी होती है अब मुहरम अ हराम आएगा तब भी आप बिज़ी रबी अल्वल आएगा तब भी बिज़ी ईदें शबरातें तो फैमिली को टाइम कैसे देते हैं एक अब अपने लिए टाइम कैसे निकालते हैं और ये सारे सेटअप्स को कैसे मैनेज करते हैं सर देखें आप मैंने आपको पहले कहा था मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूं और पुलिस ऑफिसर की जो अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो डेफिनेटली हिज पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ लाइफ फैमिली हेल्थ भी सिचुएशंस में तो डेफिनेटली जब इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो आपको टाइम तो डबल देना पड़ता है इधर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इधर अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं बट अलमद इधर, इधर माशा हमारी टीम एक छः सात साल में बहुत अच्छी टीम डेवलप हो गई है तो दे आर केपेबल कि अगर मैं उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए उधर भी चला जाता हूँ तो उधर को लुक आफ्टर कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे चीज़ों को अपने तौर पे देख सकते हैं मेरे से गाइडेंस लेनी है मेरे से रास्ते में वो इंडिपेंडेंटली कुछ ना कुछ उसमें मैनेज कर लेते हैं वो मेरी एक नई असाइनमेंट है तो वहाँ पर चीजें कर रहा हूँ तो डेफिनेटली अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट चीज़ें स्ट्रीम लाइन वहाँ भी बेहतरीन टीम है जैसी हमारी वो एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी चीज़ें फिर हम उसको सर मैं पूछना ये चाह रहा था असाइनमेंट चाहे एक ही हो ये है टैक्सिंग काम और आपकी फैमिली लाइफ और वो सारे मतलब हमारे त्यौहार फेस्टिवल्स वो हमारी ताती ज़िंदगी भी कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं होती है और फिर कैसे मैनेज करते हैं कभी ऐसा तो नहीं लगा कि आपने सोचा हो कि यार यारनाफनाफ अब कोई और काम करते हैं बहुत थक गए हों कोई कोई और असाइनमेंट या कोई देखिए देखिये ये ना पर्सनल चीज़ें होती हैं कुछ लोगों को आप खाली भी बिठा देंगे ना तो वो खाली रह नहीं सकते वाह तो मेरे साथ यही मसला है जो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मैं कहीं भी बिठाएंगे तो मैं अगर सिंगल असाइनमेंट भी होगी तो मैं शायद उतना ही टाइम दे रहा हूँ जितना मैं दो असाइनमेंट्स में दे रहा हूँ uh, मैंने कभी भी अपनी नौकरी में ऑफिशियल टाइमिंग्स को नहीं देखा कि टाइम क्या है मैंने देखा मैंने काम पूरा करना है तो मुझे डेफिनेटली उसके वजह से ज्यादा वर्क आज काम करना पड़ता है और डबल असाइनमेंट में जाहिर है थोड़ा सा इनिशियली तो बर्डन आएगा बट बर चीज़ें मैं कोशिश ये करता हूँ हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं सिस्टम्स को इम्प्रूव करूँ जो हम खुद कर सकते हैं एक चीज़ यह है कि बहुत सारी डिपेंडेंसी आपकी होती है एक्सटर्नल फोर्सेस पे गवर्नमेंट की तरफ अपने इदारे की तरफ उधर देखें वो एक प्रोसेस में डाल देता हूँ बट जो लोकली ख़ुद सिस्टम्स इंप्रूव कर सकता हूँ मैं उन पर फोकस करता हूँ उन चीज़ों से जब मैं डेवलप इतना अगर मुझे टाइम मिल जाए और अल्लाह ने मुझे जितनी भी असाइनमेंट्स दी है उसमें मुझे अच्छे टनोर मिले हैं तो मुझे कोई ना कोई सिस्टम डेवलप करने का और अपने काम को फैसिलिटेट करने और आने वालों के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें करके जाने का मौका मिला है अब ये सिस्टम जो है ये हमें जो हमें यहाँ पर भी मिले थे हमारे जितने इंटरनल सिस्टम्स हैं उन्होंने तो ये एक्सटर्नल आपको दिया ना लेकिन hmm. इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितने इंटरनल सिस्टम्स है उसमें एक एक छोटी से छोटी चीज़ की हमने एस बना दी है hmm. वो ऑटो पे चीज़ें आ गई हैं चीज़ों को सारों को हमने सिस्टम्स को ऑटोमेट कर दिया हुआ है वो ऑटोमेट कर दी हैं मैनुअल डिपेंडेंट कम कर दी है पर्सन डिपेंडेंसी कम कर दी है मैं रहूँ ना रहूँ आप आ जाए तीसरा आ जाए वो सिस्टम्स प्लेस हैं तो कोशिश ये करता हूँ कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो आपका काम आसान हो जाता है तो इनिशियली आपको इनपुट बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है टाइम देना पड़ता है देन कम्स अ स्टेज वेयर आप जब सिस्टम्स इन प्लेस कर देते हैं तो फिर आपके वो बर्डन और स्ट्रेस लेवल चीज़ों पर कम हो जाता है थैंक्स अ लॉट सर वॉट अ प्लेजर बहुत ही मज़ा आया आपसे कॉन्वर्जेसन करके अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ हमने एक ब्रीफ सा विजिट करना है बट आई वुड वॉन्ट टू थैंक आर व्यूअर्स ऑल्सो और एडिशनल आई जी एम डी सेव सिटीज कामरान साहब ने आज हमें वक्त दिया और व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त काम हमारे पुलिस ऑफिसर्स और ख़ासतौर पर इस सेटअप के अंदर जो टीम है वो कर रही है आई थिंक हमें पॉजिटिव होना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और उन लोगों को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए जो परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को कि जो इफ़िशेंट हैं डायनामिक हैं उनको क्रेडिट देंगे तो यही वो लोग हैं जो रोल मॉडल्स बनेंगे और दीगर लोगों को इंस्पायर भी करेंगे तो बिकॉज हम कामरान साहब के साथ एक मुख्तसर सा दौरा करेंगे और मुझे बताया जा रहा है कि वन फाइव का यहाँ पे कॉल सेंटर है जहाँ पे पूरे पंजाब की वन फाइव कॉल्स आती हैं उस सेंटर को भी स्पेशली हमने देखना है और वहाँ पे क्या काम हो रहा है कुछ बातें हम कामरान साहब से वहाँ पे करेंगे जी ये पुकार है Uh, इसमें जो पंजाब से पूरे वन फाइव की कॉल्स आती सर वो यहाँ पे लैंड करती तो सिर्फ लाहौर थी पर इस टेक्नोलॉजी को हमने पूरे पंजाब में किया अच्छा और अब हमारे पास स्क्रीन पे अगर आप देखें, इस वक्त चौदह हजार छः सौ सतासी आज के दिन ये पर डे है ये कॉले वो हैं जो यहाँ लैंड कर साठ से सत्तर हजार आती हैं अच्छा ये और सेंटर्स भी हैं इस तरह के नहीं ये है एक हमारा लाहौर के लिए अलग है अच्छा थोड़ा तो सा डिफरेंट सिस्टम पे कर रहा है लाहौर की चूँकि डिस्पैच हम यहाँ से कराते हैं तो उनको हमने इधर भी और उधर भी बैठाया हुआ है ये पंजाब का है इसमें जो कॉल आती है और जिसमें कोई एक्शनेबल होता है वो हम इसमें से उसको कैड कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट डिस्पैच तो वो यहाँ से चला जाता है और जो किसी भी ज़िले में फॉर एग्जांपल खाने वाल टोबा टेक्सिंग में उनके कंट्रोल रूम्स में फ़ौरी तौर पे विद इन अ मिनट और सो यहाँ से टाइप होता है वहां पहुंच जाता है और वहाँ पे अपने रिस्पॉन्स मेकनिज्म है में हर किसी को कोई हेल्थ इमरजेंसी हो, कोई क्राइम का सीन हो आ, या कोई और तरह की कोई हो, तो वो फाइव पे, पे ट्रैफिक का एक इंडिपेंडेंट अपना नंबर हुआ करता था वो मर्ज करेंस दे रही है फायर ब्रिगेड दे रही है हमारी पुलिस सपोर्ट हो गई तो चार सर्विस अंडर वन रूफ आ गई है इंटीग्रेटेड है उनके लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं और वो कंट्रोल रूम यहाँ से इंटीग्रेटेड है अगर कोई ऐसी कॉल यहाँ पे आ जाए वन फाइव पर जो हेल्थ रिलेटेड है तो वन डबल वन डबल, डबल टू को यहाँ से पास हो जाएगी तो सर अब ये चौदह हज़ार सात सौ चौदह कॉल्स हैं मैं आपका एक्सपीरियंस है इसके अंदर आपके ख्याल में ये सारी की सारी जेन कॉल्स हैं या कुछ लोग कोई शरारत वगैरह भी करते हैं या इस तरह से आपने सवाल किया जी ये बहुत ही एक मैं तो इसे कहूँगा कि अलमिया है कि हमारे सिस्टम को लोग मिस यूज़ बहुत करते हैं इसमें से 80-90% कॉल जो है वो फेक है। 80, 90 कौल कौल फेक, फेक, है। फेक है। और अभी तो इसमें से बता रहा हूं कि अगर सार्थ आगे सार्थ भी से सत्तर हजार इस इसमें कुछ फिल्टर तो सिस्टम में लगे हुए अब जो ये कॉल्स एक्चुअली लैंड कर रही है उसमें से भी एटी फाइव नाइन्टी परसेंट हॉक्स कॉल्स है अच्छा अच्छा होक्स हैं 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 और ये है कि बच्चे करते करते अच्छा, तो बिल्कुल आ, मेंटल करते हैं। बिल्कुल मेंटल हेल्थ इश्यूज वाले जो नॉर्मल लोग वो भी करते हैं तंग करने के लिए बाजलात बखते हैं बिला वजह तंग करने हैं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो तो इसमें तो सर कोई हमारे पास ऐसा मेकनिज्म नहीं है कि जो होक्स कॉल हो उनको कोई पनिशमेंट या कोई पेनल्टी या कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए बिल्कुल है हमारे पास ये है कि हम उनको टेम्प्रोरी ब्लॉक कर लेते हैं अगर अच्छा। एक दिन में कोई एक घंटे में बहुत ज्यादा चार पांच कॉलें आ जाए तो हम उसको ब्लॉक टेम्प्रेरीली कर देते हैं उसकी परमानेंट इसलिए नहीं करते वजह उसकी ये है कि जैसे मैंने कहा कि बच्चे बहुत कॉलें कर रहे हैं फोन मेरा है मेरा बच्चा यूज कर रहा है मैंने उसको खेलने के लिए दे दिया है क्योंकि टोल फ्री कॉल है तो बच्चा किए जा रहे हैं यहाँ से कोई रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं तो समझता है कि मेरी कॉल मिल रही है उसका खेल पूरा हो रहा है तो वो फोन तो किसी बड़े का है तो जब वो बड़े को इमरजेंसी बन जाएगी हम उसको रिकॉर्ड में देखेंगे तो इसकी कॉलेज तो फेक आती है हम उसको अटेंड करें गलत हो जाएगा टेम्परेरी तो जिसको बच्चा तंग कर रहा होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं।, हैं बट इसको हमने गवर्नमेंट से टेकअप किया हुआ है कि इसको हम ऐसी उसकी सिम ब्लॉक करा सके कि जिसमें उसको जाके अपनी बायोमेट्रिक दोबारा करानी पड़े कोई एफिडेविट देना पड़े जिसकी वजह से उसको कोई 24 घंटे 48 घंटे की हैसल हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा और ये सर आपके सारे पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स। ये पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर अच्छा इसमें मेल फीमेल्स ये सारे आपके जी बिल्कुल और ये ट्रेनिंग कर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है जी अच्छा ये स्पेशल ट्रेनिंग से जी माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है छह छह साल वाले भी है इसमें

कई वाक्य में गोली लग गई है ठीक है अब बेसिकली तो पुलिस गोली लगी है तो पुलिस ने जाके पर्चा देना है लीगल कार्रवाई लेकिन उसको फर्स्ट एड के लिए या हॉस्पिटल जाने के लिए फौरी तौर तो एम्बुलेंस भी चाहिए तो या बाज ऐसा होता है कि वो जिसने पहले कॉल किया कहीं डबल वन डबल, डबल टू पे कर देगा सिर्फ बंदे को गोली लगी है सिर्फ अस्पताल लेके जाना है एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस के पास आएगी तो वो थाने को इतला दे रही है तो वो दोनों यहाँ से हम काम कर लेते हैं ये फ़ायदा इंटीग्रेट करने का आई जी साहब आपकी प्रेजेंस में अपने व्यूअर्स को खास तौर पे ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो चौदह हजार सात सौ नब्बे कॉल्स आज आई हैं जैसे आई जी साहब बता रहे हैं कि नाइन्टी परसेंट ऐसी कॉल्स हैं जो फेक कॉल्स हैं होक्स हैं लोग शरारतों में कर रहे हैं तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बहुत अहम है कि आप वन फाइव को तब यूज करें जब आप किसी लेजिटमट प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जब आप कॉल करेंगे शरारत में हमारा सिस्टम चौक हो जाएगा ऐसे लोग जो वाकई किसी सीरियस ट्रबल में होंगे जो किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में होंगे हो सकता है आपकी वजह से वो एक पॉज में चले जाएं सिस्टम के चोक होने की वजह से और उनको वो बर वक्त मदद ना पहुंच सके जिसके वो मुस्तक हैं सो यूज वन फाइव बट यूज इट विद कॉशन और जब आप वाकई किसी ट्रबल में हो तो तब वन फाइव को इस्तेमाल करें और हम और हमारी सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हमारे ऑफिसर्स आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं सब बहुत शुक्रिया आपका बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप आप, आपके ऑफिसर्स बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और अगर एक और एरिया में जी प्लीज़ आए ये तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ये, ये। ये क्या है सर इसको ये हम ऊपर से भी मैं देख रहा था ये क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए अगर आप बताएं ये जी वीडियो वॉल 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 है है, है। अच्छा वीडियो वीडियो है। है। इस पर चंद इस वक्त जो लाहौर के इवेंट चल रहे हैं वो जो हमारे यहाँ पे सुपरवाइजर इसको मॉनिटर करना चाहते हैं एक्चुअल मॉनिटरिंग हमारी नीचे हो रही है हमारे बच्चे बैठे हुए हैं नीचे ये कर रहे हैं क्योंकि कैमरे ज्यादा हैं लेकिन कुछ इवेंट्स जैसे अभी आज क्रिकेट के हवाले से चल रहा है तो क्रिकेट का स्टेडियम है उसका रूट है वो यहाँ पे मॉनिटर जो कर रहे हैं साथ साथ ये सुपरवाइजर्स भी इसको देख रहे होते हैं तो इस इसपे नॉर्मली अगर कोई ऐसा इवेंट नहीं चल रहा तो हमारे कुछ हॉटस्पॉट्स होते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे उनको जरूर देखना चाहिए हर वक्त देखना चाहिए तो हम स्क्रीन, लगा, स्क्रीन भी लगा, भी लगा, भी लगा, भी लगा देते हैं और ये मुझे सर बताया जा रहा था शायद साउथ एशिया की सबसे बड़ी वॉल है ऐसा भी कोई जी ये अब हमने तो साउथ एशिया सारे नहीं देखे बल्कि एशिया की एशिया की जिस कंपनी ने ये लगाए हैं क्योंकि बैन अवी कंपनी है वो ये हमें बताती है कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट वॉल्स अच्छा एशिया और सर आपके यहाँ पे एक एफएम रेडियो भी आप लोग क... जी बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे सिचुएशन देख रहे होते हैं हाँ, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लॉ एन्फोर्समेंट की सारी इंस्टीसी ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ है डॉल्फिन भी यहाँ पे मौजूद है तो ट्रैफिक की जो सिचुएशन आ रही होती है वो हम एफ हमारा रेडियो है उस पर ट्वेंटी फोर एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो ट्रैफिक की सिचुएशन है कोई डाइवर्जन हैं वो भी बता रहे होते हैं और इसी तरह लोग ख़ुद कॉल कर रहे होते हैं वन फाइव पूछने के लिए कि हम कैसे ये रास्ता बंद है ये आगे कोई डाइवर्जन है तो किधर से जाएँ आज मैच हो रहा है कहाँ का रोड ब्लॉक है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बाद से जो लोग पूछना चाह रहे होते हैं वो रेडियो के जरिए भी फिर हम पे साथ साथ बताते रहते हैं सर इट वॉज अ प्लेजर बींग हेर लॉट फॉर योर टाइम और मैं चाहूँगा कि सर uh, अगर आप तो बिकॉज आज हम पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और ये खूबसूरत सेटअप यहाँ पे हम मौजूद थे और जैसा कि हमने आपको दिखाया और बताया कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त काम भी हो रहा है और ये प्रोजेक्ट और ये हमारे ऑफिसर्स इस बात की दलील हैं कि अगर आप इफ़ेंसी की बात करें आप इफेक्टिवनेस की बात करें डाइनामिज़म की बात करें तो ये सेटअप और ये ऑफिसर्स इसका एक मुंह बोलता सबूत हैं और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमने इस मुल्क को मिलकर महफूज भी बनाना है और पाकिस्तानी माशरे का पाकिस्तानी अवाम का हमने तहफ़ भी करना है हम सब ने मिलकर हिस्सा डालना है और हमारे पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स और ओवरऑल पुलिस के ऑफिसर्स बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हमने इनका साथ देना है व्योज़ इंसान कल और आज की स्पेशल एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा दिस इज़ योर होस्ट फाद काजमी साइनिंग ऑफ कीप वॉचिंगफ टेलीविज़न